हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने जो पारदमूर्छित कल्पनाएं थी चार, उसमें से दो कल्पनाएं पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे पर्पटी कल्पना। क्या क्या पढ़ा था? खलवीय रसायन हमने पढ़ा था और पोटली कल्पना पढ़ी थी, और पर्पटी और कुपीपक वो हमारा वचन था जिसमें से आज हम पर्पटी कल्पना को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं व्युत्पत्ति। पर्पटी शब्द जो होता है वह पर्पट से बना होता है, जिसका अर्थ होता है पापड़। मतलब कुछ ऐसी शेप और साइज उसका ऐसा कुछ होता है पापड़ के जैसा, इसीलिए उसको परपटी बोलते हैं। मतलब दिखने की वजह से या फिर जैसे बनाते हैं, तो परपट से लिया गया है, जिसका मतलब होता है पापड़। परिभाषा देखेंगे। शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक को अच्छी प्रकार से घोट कर बनाई हुई कचली को अग्नि पर हम पिघलाते हैं और केलों के पत्तों के मध्य ऊर्ध्व अधः गोबर द्वारा दबाकर चपटा करके बनाने को परपटी कहते हैं, जो समस्त बाल रोगों को नष्ट करती है। ये नॉर्मल सी परिभाषा है। जरूरी नहीं है कि शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक ही हो सिर्फ। इसके अलावा हम औषधियों को ऐड भी कर सकते हैं या पारद और गंधक के बिना भी बनाई जा सकती है, लेकिन ये कॉमन परिभाषा है, ज़्यादातर यही बनती है। इसीलिए यहाँ पर डेफिनेशन में यही लिखना है कि हमने क्या किया, शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक को लिया और उसकी कजली बनाई। कजली बनाने के बाद अग्नि पर पाक करेंगे तो वो थोड़ा सा किस हो जाएगा, मतलब लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। लिक्विड फॉर्म में आने के बाद उसे हम केलों के पत्ते, मतलब नीचे केले का पत्ता रखते हैं, उसके ऊपर हम इसको डाल देते हैं और ऊपर से फिर वापस केले के पत्ते से हम उसको दबा देते हैं ताकि वो पापड़ जैसी चपटी हो जाए। विधि हम पढ़ेंगे आगे कैसे बनती है। ठीक है, अब भेद दो प्रकार के होंगे, सगंध निर्गंध परपटी। सगंध परपटी क्या होता है? तो इसमें प्रधान द्रव्य जो होते हैं वह पारद और गंधक होते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की परपटी निर्माण हेतु स्वर्ण, ताम्र, लोह, मंडूर, अभ्रक भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि रस परपटी, ताम्र परपटी, लोह, अभ्रक। ये एग्जाम्पल है सगंध परपटी के। अब देखेंगे निर्गंध परपटी। तो निर्गंध परपटी जो होती है वो इसमें पारद और गंधक नहीं होता है, किंतु निर्मित औषधि द्रव्य का स्वरूप परपटी की तरह होता है। मतलब यहाँ बिना पारद और बिना गंधक के हम परपटी का निर्माण करते हैं, जिसके दो एग्जाम्पल है श्वेत परपटी और मल परपटी। ठीक है, श्वेत परपटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ेंगे आगे। अब परपटी निर्माण की विधि। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक की कजली बनाते हैं। ठीक है, ये पहली चीज़ हो गई, हमने यहाँ कजली बना ली। फिर दूसरी चीज़, भूमि पर ताज़ा गोबर बिछा कर ऊपर केले का पत्ता बिछा दे। हमने पे भूमि पे क्या बिछाया है? गोबर, वो भी गाय का गोबर, तो गोमय जिसको बोलते हैं, गोमय बिछाया है, उसके ऊपर केले का पत्ता रख दिया। फिर केले का पत्ता रख दिया। अब फिर यहाँ पे जो कजली ली है हमने लोह दर्वी में, दर्वी मतलब लोहे की चम्मच, लोह दर्वी में थोड़ा सा घी डालकर अग्नि पर हम उसको पंखवत द्रवित करेंगे। पंख मतलब कीचड़ के समान, मतलब पंखवत मतलब कीचड़ के समान। ठीक है, फिर उसे चम्मच से हिलाते रहेंगे जब हम अग्नि पर पाक करें, ताकि वो किनारों पर चिपके ना। फिर इस पिघले हुई द्रव को, जो हमने गंधक और पारद को पिघलाकर बनाया कजली को, उसे हम इस केले के पत्ते के ऊपर बिछा देते हैं। पूर्ण रूप से द्रवित होने पर केले के पत्ते पर फैला दे। फिर क्या करना है, एक दूसरे केले के पत्ते को डंठल निकालकर उसमें गोबर भरकर पोटली बनाकर रख लेना है। यह हमने ये तीनों चीज़ें हमको पहले करके रखनी है। एक तो कजली बना के रखनी है, भूमि पर गोबर बिछा के पत्ता उसके ऊपर रखना है, और एक ये चीज़ कि एक क्या लेंगे हम, केले का पत्ता लेंगे और उसमें हम गोबर भर के उसकी पोटली बना के तैयार रखेंगे। तो फिर जब हम द्रवित कजली को फैलाते हैं तो उसके बाद उस पोटली से शीघ्र ही उसको हम दबा देंगे। इस प्रकार दबाने से गोबर की शीतलता से ठंडी होकर चपटे स्वरूप में वो पपड़ी बन जाती है, और इस तरह हमारी परपटी बन जाती है। तो हमने जो केले के पत्ते के ऊपर जो फैलाया था उसको हम फिर पोटली से दबा देते हैं। तो यहाँ दो चीज़ें होती कि उसकी जो गोबर की शीतलता होती है वो उसके अंदर आ जाती है, वो चपटी भी हो जाती है। ठीक है, ये हो गई परपटी कल्पना की विधि। ये सब कॉमन है, जो आगे हम एग्जांपल पढ़ेंगे सब में यही विधि लिखना है। अब आचार्य यादव जी के अनुसार उन्होंने बोला है कि चूल्हे पर तवा रखें, उसमें एक अंगुल मोटा बालुका का स्तर बिछावें और फिर उसके ऊपर कजली की कढ़ाई रखें। मतलब वो बोलते हैं कि सीधे अग्नि नहीं देना चाहिए, पहले हम बालुका यंत्र तरह हम पहले बालुका रखेंगे और उसके ऊपर कजली की कढ़ाई रखेंगे, फिर इसे पिघलाकर परपटी बनाएंगे, यह अधिक गुणवान होती है, उनका कहना ऐसा है। ठीक है, अब सावधानी क्या रखनी है, तो दो लोह दर्वी में कजली पिघलाने में घृत के अल्प मात्रा में प्रयुक्त करना चाहिए।
हम जब खजली को पिघला रहे थे तो हमने जो लोह द्रव्य में घी लिया था वो हमको थोड़ी सी मात्रा में लेना है, ठीक है। कदली पत्र ताज़ा होना चाहिए, बिना फटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। ये हो गए कुछ सावधानियाँ बस। अब परपटी उपयोग, परपटी कल्प अति महत्वपूर्ण औषधि होती है। परपटी मुख्यतः मंदाग्नि में दुर्बल पित्तजन्य संग्रहणी, मतलब वही ग्रहणी में जो पित्तजन्य ग्रहणी होती है उसमें ज़्यादा मेन अच्छे तरीके से यूज़ होती है। क्यों देखते हैं, तो कदली पत्र के माध्यम से, जो कदली पत्र होता है उसके माध्यम से गाय की पित्त का, गाय का पित्त गोबर के अवशोषण, गोबर से अवशोषित होकर के परपटी में आ जाता है। जैसे हमने क्या लिया था, पत्ता लिया है और उसके नीचे गोबर है और हमने पोटली भी क्या गोबर से बनाई है, तो गोबर के अंदर जो गाय का पित्त है वो क्या हो जाता है, परपटी में अवशोषित हो जाता है। तो वो अवशोषित होने के कारण वो ग्रहणी और मंदाग्नि में अच्छे से यूज होता है। मतलब वो यहाँ पर जो गोबर है ना उसका गुण परपटी में कहीं आ जाता है। कौन सा वाला, कि पित्त, गाय का पित्त उसमें आ जाता है। तो गोबर के अवशोषण होने से परपटी पित्तजन्य मंदाग्नि में उपयोगी होती है। आर्द्र विकारों में विशेष रूप से पारद गंधक युक्त परपटी उपयोगी होती है। तो पारद गंधक युक्त परपटी जो होती है विशेषकर कहाँ यूज होगी, आर्द्र विकारों में। और आर्द्र विकारों में जैसे आर्द्र की शक्तिवर्धक, आर्द्र की कीटाणुनाशक और दुर्गंधता को नाश करने वाली होगी। परपटी का अवशोषण आमाशय में न होकर के ग्रहणी, पक्वाशय और बृहदान्त्र, बृहदान्त्र मतलब कि लार्ज इंटेस्टाइन। तो ग्रहणी में स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में इसका अवशोषण मतलब एब्जॉर्प्शन होता है। तो इसीलिए यह आँख विकारों में अच्छी होती है, यह ग्रहणी पर अच्छा प्रभाव डालने वाली होती है। तो ये कुछ उपयोग देख लिए हमने कि कहाँ कहाँ हम यूज़ करेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिजीज में हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं गंधक और पारद वाली को। अब परपटी का प्रयोग, परपटी का प्रयोग कैसे करेंगे, तो सामान्य प्रयोग होता है एक और एक होता है कल्प प्रयोग। सामान्य प्रयोग कैसा, कि 1 से 2 रत्ती दिन में हम 2 बार ले लेंगे, भ्रष्ट जीरक चूर्ण के साथ या फिर तक्र के साथ। ये हो गया उसका सामान्य प्रयोग कि 1 से 2 रत्ती लेना है, दिन में 2 बार ले लेना और अनुपान क्या हो जाएगा, तक्र और जीरा का चूर्ण, वो भी भ्रष्ट जीरक। फिर कल्प प्रयोग क्या होता है, तो कल्प प्रयोग में हम क्या करते हैं कि 1 रत्ती से प्रारंभ करते हैं हम और 1-1 रत्ती बढ़ाते जाते हैं। कब तक बढ़ाना है, जब तक कि 10 रत्ती तक ना हो जाए। तो 10 दिन तक बढ़ेगा 1-1 रत्ती 10, फिर वैसे ही कम करते जाना है 1-1 रत्ती को। तो इस तरह आरोही अवरोही मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको ये फॉलो करना है, तो इसे बोलेंगे कल्प प्रयोग। फिर सामान्यतः परपटी कल्प 40 दिन का होगा, तो 40 दिन का हो जाएगा तो 2 बार हो जाएगा, 10 दिन ऊपर 10 दिन नीचे, फिर 10 दिन ऊपर 10 दिन नीचे, मतलब 2 बार असेंडिंग ऑर्डर, 2 बार डिसेंडिंग वाला। तो ये 40 दिन तक हम कर सकते हैं इसका प्रयोग। इस कल्प रूप में दुग्ध, तक्र, आम्र रस में से किसी एक या यथेष्ट का ही यथेष्ट प्रयोग करना है। तो जब हम कल्पना का प्रयोग करते हैं, कर रहे हैं, तो हमें क्या क्या यूज़ करना है, आम्र रस का यूज़ करना है, दुग्ध का और तक्र का। और इस कल्प में अन्न, जल और लवण का निषेध होता है, मतलब भोजन भी नहीं करना है, जल भी नहीं पीना और लवण भी नहीं। ये जो 3 चीज़ें ऊपर बताई है उनमें से एक यथेष्ट रूप से प्रयोग करें। ये हो गया उपयोग। ये पूछ सकते हैं कि प्रयोग कैसे करते हैं, तो सामान्य और कल्प प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब परपटी सेवन में पथ्य क्या होगा, तो दूध, तक्र, घी, आम्र, सेंधा लवण, पुराने शाली चावल, मूंग, बथुआ, परवल, धनिया, जीरा, जो चीज़ ज़्यादातर अच्छी होती है। बस मकोई का पत्र, ये देखो, ये मकोई की शाख को अच्छा नहीं माना है फिर भी यहाँ पे लिखा है। और ब्रह्मचर्य का पालन। परपटी सेवन में अपथ्य क्या होगा, तो अपथ्य तीक्ष्ण वायु, धूप, चिंता, आहार, आहार विषमता मतलब कि अहितकर आहार खाना या मिथ्या आहार, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। व्यायाम करना, स्नान भी नहीं करना है, अधिक भाषण, बहुत ज़्यादा बोलना नहीं है, तिक्त और अम्ल द्रव्यों का सेवन नहीं करना है, दही और गुड़ का सेवन नहीं करना है, और अन्न और लवण का सेवन जो पथ्य में है शायद इसके अलावा नहीं करेंगे, ठीक है। अब है परपटी पाक परीक्षा। अब परपटी हम जो बनाते हैं तो उसमें पाक परीक्षा करते हैं, तो पाक परीक्षा हम 2 टाइम पे करते हैं, पाककालीन परीक्षा और पाक पश्चात कल परीक्षा। कालीन मतलब जब हम परपटी बना ही रहे हैं उसी टाइम पे, और पश्चात मतलब बनने के बाद की परीक्षा कि अच्छे से बनी है कि नहीं। ये भी 3 प्रकार से देखेंगे हम, मृदु पाक, मध्यम पाक, खर पाक, दोनों में मृदु, मध्यम, खर। अब सबसे पहले देखेंगे पाककालीन परीक्षा। तो पाककालीन कैसे, तो परपटी निर्माण हेतु अग्नि की मात्रा एवं पाककाल आदि में अंतर से द्रवित कजली में कुछ लक्षण व्यक्त होते हैं। अग्नि जैसे देते देते जाते हैं तो उसमें चेंज होता जाता है ना, कि वो पिघल रही है, कितना पिघल रही है, तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे।
मृदुपाक कब बोलेंगे? द्रवित खजली यदि मयूर चंद्रिका की वर्ण की हो तो उसे हम कहेंगे मृदुपाक। कैसी हो? मयूर चंद्रिका के समान। मध्यम पाक जब खजली तेलाब हो, तेलाब होने तक पाक करेंगे, मतलब तेल की आभा वाली अगर हो, तेल जैसे दिखता है, ऑयल ऑयली ऑयली दिखे, तो वो मध्यम पाक की हो जाएगी। खर पाक में कैसा हो जाएगा? तो खर पाक मतलब बहुत ज़्यादा पाक कर दिया, मतलब जल गई है, तो द्रवित खजली रक्त वर्ण की हो जाती है, तो उसे हम खर पाक कहेंगे। मृदु में मयूर चंद्रिका, फिर तेलाब और फिर रक्त वर्ण। ठीक है, अब पाक पश्चात कल्पना। पश्चात मतलब परपटी बन चुकी है अब, तो मृदु पाक में परपटी सामान्य रूप से टूटती नहीं है, मुड़ जाती है। मृदु पाक में परपटी को तोड़ेंगे तो वो टूटेगी नहीं, वो मुड़ जाएगी। फिर मध्यम पाक में क्या होगा? जो सरलता से टूट जाए या रजत के समान दिखाई दे, दो चीज़ें आसानी से टूट जाएगी, बहुत ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, तो आसानी से जो टूट जाए और रजत के समान दिखाई दे, वो मध्यम पाक में हो जाएगा। खर पाक में क्या होगा? जो परपटी कठिन, रुक्ष, श्लक्ष्ण और अरुण वर्ण की हो, क्योंकि खर पाक में पाक भी खर हो चुका है थोड़ा सा, तो इसके कारण परपटी कैसी होगी? कठिन होगी, रुक्ष होगी, और उसे खर पाक जाना चाहिए। खर पाक परपटी का चूर्ण लोहित वर्ण का होगा। ठीक है, ये हो गई पाक कालीन और पाक पश्चात कल्पना। अब मृदु और मध्यम पाक वाली परपटी जो होती है उसे ही हम यूज़ करते हैं। खर पाक वाली जो होती है वो क्या होता है, खर पाक वाली विष के समान होती है, तो उसे हम त्याग देते हैं, चिकित्सा में उसका यूज़ नहीं किया जा सकता है। अब खर पाक में वो लाल कर वर्ण की कैसे होती है? तो खर पाक में कजली को द्रवित अवस्था में अधिक समय तक अधिक अग्नि, अधिक समय तक और अधिक अग्नि देने पे वो आंशिक रूप से रससिंदूर बन जाता है। मतलब कजली से हम जब कूपी पक्को पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि रससिंदूर कैसे बनता है, तो बहुत ज़्यादा अग्नि अगर दे देंगे तो पार्शियल रूप से वहाँ क्या बन जाएगा? रससिंदूर बन जाएगा, तो इसी के कारण उसमें लोहित वर्ण दिखाई देता है। ठीक है, और खर पाक परपटी को विष के समान समझकर चिकित्सा में प्रयोग नहीं करना है। मतलब हम चिकित्सा में दो ही तरीके के प्रयोग करेंगे, मृदु पाक और मध्यम पाक। ठीक है, परपटी में धातु मिश्रण, परपटी निर्माण में धातु क्या का मिश्रण कैसे होगा? तो धातुओं का प्रयोग प्राय भस्म के रूप में करेंगे, मतलब जो भी धातु अगर लेंगे तो परपटी में, तो हम उसका भस्म बनाएंगे और फिर उसका प्रयोग करेंगे। लेकिन स्वर्ण और रजत का हम क्या लेते हैं? वर्क फॉर्म, वर्क या फिर एकदम पतले पतले से वर्क या पत्र लेते हैं, कंटक वेदी पत्र, मतलब इतना पतला पत्र लेंगे कि उसमें कांटा अगर हम डालें तो वो छिट जाए। तो रजत और स्वर्ण का हम वर्क फॉर्म में लेते हैं या कंटक वेदी पत्र के रूप में लेते हैं, वो भी कैसे? पारद में अच्छी तरीके से घोट कर मिलाएंगे, फिर हम यूज़ करेंगे। फिर गंधक डालकर कजली बनाएंगे और फिर उस कजली से परपटी बनाएंगे। मतलब अगर रजत और रजत और स्वर्ण रहा तो उनका हम वर्क लेंगे, वर्क के बाद हम उसे पहले पारद में घोटेंगे, फिर गंधक मिला के फिर कजली बनाएंगे, फिर परपटी बनाएंगे। फिर परपटी निर्माण में कजली को 115 से 120 डिग्री सेल्सियस तक तापक्रम पर पंकवत होने तक अग्नि पर गर्म करते, मतलब टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 150 to 120। गोमय के अभाव में पत्थर पे भी रख सकते हैं या बालूका रहित कीचड़ का भी प्रयोग किया जा सकता है। या पत्र क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? कदली पत्र, कमल पत्र, अर्क पत्र, एरंड पलाश, इनका भी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रस परपटी, रस परपटी अगर नाम है तो उसमें पारद और गंधक दो चीज़ें होंगी। ठीक है, सहायक द्रव्य हो जाएगा गो घृत। ठीक है, यहाँ पे सहायक द्रव्य जो होता है वो क्या लिया है? गो घृत लेंगे। उपकरण मतलब कि जो हमको यूज़ में आने वाले इक्विपमेंट है वो क्या हो जाएगा? चूल्हा, चम्मच, चाकू, करछुल, गो घृत, गोमय और लकड़ी, कोयला, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। अब विधि कैसे बनाते हैं? तो हिंगुलोत पारद को अग्निमंत्र, आद्रक स्वरस और एरंडमूल स्वरस में एक एक दिन भावना देनी है, तीनों की, अग्निमंत्र की भी, आद्रक स्वरस और एरंडमूल की। पारद में और गंधक में, शुद्ध गंधक में भृंगराज स्वरस की 7 बार भावना देनी है, फिर उसे सुखा ले। तत्पश्चात बैर के कोयले की अग्नि में गंधक को पिघला लें और भृंगराज स्वरस में 3 बार बुझा लें। ठीक है, ये हो गया। पहले हम पारद और गंधक को रेडी करेंगे। तो पारद को हमने तीन स्वरस में भावना दी थी एक एक दिन तक, और गंधक में हमने भृंगराज स्वरस की भावना दी है। अब पारद और गंधक को मिलाकर कजली बनाएंगे, और कजली के बाद वही सेम विधि जो मैंने आपको पहले बता दी है वही करेंगे। ठीक है, मात्रा इसी कितनी होगी? दो रत्ती की मात्रा। कल्प में दो रत्ती से प्रारंभ करेंगे और प्रतिदिन एक एक रत्ती बढ़ाएंगे, 10 रत्ती तक बढ़ाना है, वही असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, पहले बढ़ाते जाएंगे फिर घटाते जाएंगे। अनुपान क्या हो जाएगा इसका? तक्र, दुग्ध और आम्र रस। उपयोग,
उपयोग वैसे पहले भी बता दिए थे, वही वही यही यहाँ पर भी है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अर्श, ग्रहणी, अतिसार, दाह, गुल्म, उदर रोग, अम्ल पित्त, आम्बात, काम शक्ति वर्धक, शुक्रजनक, और बढ़े हुए दोषों का शमन करने के लिए। ये हो गई रस परपटी, जिसमें क्या था, सिर्फ पारद और गंधक। और गोघृत वही वहाँ यूज़ करेंगे हम, जब हम दारवी पे पिघलाएंगे तो थोड़ा सा गोघृत वहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। अब ताम्र परपटी, ताम्र परपटी को कुष्ठांत परपटी भी कहते हैं, इसका पर्याय याद रखना। इसके घटक द्रव्य क्या क्या है, ताम्र, ताम्र नाम है तो ताम्र तो होगा, शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक और वत्सना। और भस्म के मतलब ताम्र भस्म, शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक के तीन तीन भाग है, और शुद्ध वत्सना एक भाग लिया है। यहाँ पर भी सबसे पहले पारद गंधक की कजली बनाएंगे, मर्दन करके कजली करने के बनाने के बाद हम उसमें पारद भस्म और फिर वत्सनाभ को ऐड करेंगे, फिर उन्हें मर्दन करके फिर वही सेम विधि करेंगे कि लोह दारवे में हमने इन सबको इकट्ठा करके ले लिया है, फिर मंद अग्नि पर पाक करेंगे पंकवत द्रवित होने पर, और फिर कदली पत्र पर फैलाकर बनाएंगे। विधि वही हो जाएगी, मात्रा इसकी 2 से 3 रत्ती, 2 रत्ती तक लगभग सेम होती है, आप 2 रत्ती लिख सकते हैं। अनुपान मधु और पिपली चूर्ण, इसका यूज़ किस में होता है, तो सन्निपात ज्वर में अदरक स्वरस के साथ देंगे, मतलब अलग अलग रोगों में अनुपान थोड़ा अलग अलग है, तो सन्निपात रोग अगर होगा तो अदरक स्वरस का यूज़ करेंगे, ठीक है। ज्वर होने पर या काढ़ा का यूज़ करते हैं वैसे ही, तो सन्निपात में अदरक स्वरस ध्यान रखना। पांडु में हम त्रिफला क्वाथ का यूज़ करेंगे, ग्रहणी में भुना हुआ जीरा, ठीक है। फिर प्रमेह, प्रमेह में हम त्रिफला चूर्ण यूज़ करेंगे, उदरशूल में एरंड तेल, एरंड तेल उदरशूल के लिए होगा, कुष्ठ में खदीर क्वाथ हो जाएगा क्योंकि खदीर कुष्ठ का मतलब अच्छा होता है, वात पित्त रोगों में कुमारी स्वरस, याद कैसे रखेंगे, देखो शनिपात ज्वर में आदत तो याद रह जाएगा। पांडव में हम त्रिफला क्वाथ का देंगे और प्रमेह में त्रिफला चूर्ण देंगे। अब प्रमेह में वैसे भी मतलब यूरिन बहुत ज़्यादा होता है तो यहाँ पे लिक्विड का यूज़ नहीं किया है, ऐसे याद रखना। तो प्रमेह में चूर्ण हो जाएगा, पांडव में क्वाथ हो जाएगा। और ग्रहणी, ग्रहणी में हम तक्र यूज़ करते हैं तो जीरा डाल के तक्र का यूज़ किया, तो जीरा भुना हुआ जीरा ग्रहणी में याद रखना। उदरशूल में एरंड तेल हो जाएगा, अब उदरशूल जो श्रेष्ठ विरेचक तेल जो होता है वो एरंड तेल होता है, तो उदरशूल में एरंड याद रखना। कुष्ठग्न खदीर, अच्छा कुष्ठग्न होता है तो खदीर याद रह जाएगा, और वातपित्त में कुमारी स्वरस। अब ताम्र परपटी में ताम्र भस्म प्रधान रूप से होने से यकृत, प्लीहा और मूत्र व संस्थान की विकृति से उत्पन्न रोगों में विशेष रूप से लाभदायक होता है, मतलब ताम्र भस्म जो होती है यकृत और प्लीहा पर अच्छा काम करती है, और मूत्र व संस्थान पर भी, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ इन इन रोगों में हम इसका यूज़ करते हैं। पथ्य अपथ्य जो पहले बताए थे वो सब में आप सेम लिख सकते हो, ठीक है। तीसरी परपटी हो गई पंचामृत परपटी, पंचामृत परपटी में 5 चीज़ें होंगी, पारद गंधक, ठीक है, कांत लोह, वज्राभ्रक और ताम्र भस्म। इसका ट्रिक है, इनको गोपाल बता पंचामृत कहाँ बढ़ रहा है, तो गोपाल और बता इनसे ये 5 चीज़ों से ही हम 5 घटक द्रव्य याद करेंगे। पंचामृत कहाँ बट रहा है, इससे पंचामृत परपटी के घटक द्रव्य है। अब गो से क्या हो जाएगा, गंधक, पा से हो जाएगा पारद, ल से हो जाएगा कांत लोह, लोह कौन सा लोह, कांत लोह, व से व यहाँ पे लिखा है बता, तो बता याद रखना, व से हो जाएगा वज्राभ्रक, ता से हो जाएगा ताम्र भस्म। अब इसका जो सिक्वेंस है तो इसकी मात्रा भी इससे याद हो जाएगी, 8 4 2 1 और आधा, ठीक है, ऐसे सीक्वेंस से आधा आधा करते जाना, 8 4 2 1 और आधा, इस तरीके से याद हो जाएगा। तो गोपाल बता पंचामृत कहाँ बट रहा है, और इसका रेशो भी याद हो गया। अब विधि क्या होती है, तो गंधक को उपरंगराज स्वरस में पहले मर्दन करेंगे, और उसके बाद पारद में पारद के साथ मिलाकर कजली बनाएंगे, और बाकी जो बचे हुए द्रव्य उनको भी ऐड कर देंगे, और फिर सेम वही विधि से हम कजली का सॉरी परपट्टी का निर्माण करेंगे। उपयोग किस में होता है, तो वली पलित नाशक और नेत्र रोग, बाकी जो ऊपर बताए हैं वो सारे रोग आप यहाँ भी लिख सकते हैं, ये थोड़ा सा अलग था इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है कि वली पलित का नाश करेगा और नेत्र रोगों का नाश करने वाला होगा पंचामृत परपट्टी। मात्रा इसकी 2 रत्ती 2 बार सामान्य मात्रा, कल्प मात्रा कैसी होगी, तो इसको 2 रत्ती से स्टार्ट करके 8 रत्ती तक लाना है, प्रतिदिन 2 रत्ती बढ़ाना भी है, 2 से स्टार्ट करना है और 8 रत्ती तक लाना है और प्रतिदिन 2 रत्ती बढ़ाना है। पथ्य क्या होगा, तो केवल दूध का सेवन, तो पंचामृत परपटी में केवल दूध का सेवन बताया है, पंचामृत दूध सेवन है, ऐसे याद रखना, घी दूध दही जो ले रहे थे तो यहाँ पे दूध का सेवन केवल बताया है। पंचामृत के बाद है बोल परपटी, बोल परपटी में होता है शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक और बोल चूर्ण,
तो ये एक भाग हो जाएगा, ये एक भाग हो जाएगा, और गोल चूर्ण हो जाएगा दो भाग। गोल चूर्ण का एक पर्याय है खून खराबा, ठीक है, तो दो लोगों का खून किया, ऐसे याद रखना, तो ये हो जाएगा दो भाग। अब विधि कैसी होगी, सेम वही पारा गंधक की कलसी बनाएंगे, फिर चूर्ण को ऐड करेंगे और फिर हम परपटे निर्माण करेंगे। मात्रा इसकी 3 से 6 रत्ती होगी। अनुपान क्या होगा, शहद मिश्री दुर्वा चौरस। अब देखो ये खून खराबा हो गया, अब यहाँ पे हम क्या ऐसी चीज़ें ले रहे हैं जो स्तंभन करने वाली होगी। शहद कषाय रस होगा, शीतल भी होगा, स्तंभन करेगा, मिश्री स्तंभन करेगी, और दुर्वा चौरस। दुर्वा चौरस में तो विटामिन के होता है, तो वो क्या ब्लड को रोकने का काम करता है, वही स्तंभन का काम करता है। तो खून खराबा से याद रखना कि खून को रोकना है अब हम को, तो अनुपान कैसा कैसा यूज़ करेंगे, शहद मिश्री और दुर्वा चौरस, उपयोगी भी वहाँ वहाँ है। देखो कि रक्त स्त्राव अवरोधी है, अगर रक्त स्त्राव हो रहा है तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे रक्त अतिसार में, रक्त हर्ष में, रक्त प्रदर और अत्यार्त में, इन चीज़ों में हम इसको यूज़ करेंगे। जहाँ पर भी रक्त का स्त्राव हो रहा है वहाँ पर बोल परपटी का यूज़ होगा, खून खराबा से याद रखना। फिर पांचवा है श्वेत परपटी, ठीक है। श्वेत परपटी के पर्याय हैं शीतल परपटी और क्षार परपटी, ये दोनों भी दिए गए हैं। अब घटक द्रव्य क्या हो जाएगा इसमें, सूर्य क्षार, स्फटिका और नवसादर। अब इसको इसकी ट्रिक क्या है, कफन से आप याद रख सकते हो, क फ न, क से हो जाएगा कलमी शोरा, फ से हो जाएगा फिटकरी, और न से हो जाएगा नवसादर, ठीक है। इसका भाव मतलब इसको कितनी मात्रा में लेना है, तो 16, 2 और 1। 16 भाग हो जाएगा कलमी शोरा, फिटकरी हो जाएगा 2 भाग, नवसादर हो जाएगा 1 भाग, कफन से याद रखना, ठीक है, ट्रिक। और इसका रेशो भी वैसे ही हो जाएगा कि 16, 2 और 1। सूर्यचार को कलमी शोरा भी बोलते हैं, स्फटिका को फिटकरी भी कहा है। अब देखो ये जो श्वेत परपटी है यहाँ पे हमने पारद और गंधक नहीं लिया है, मतलब नहीं है, तो ये निर्गंध परपटी हो गई है, ठीक है। ये एग्जाम मतलब क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं कि श्वेत परपटी में कितनी क्वांटिटी में, कितने रेशो में पारद, कितना क्वांटिटी में गंधक होता है, तो नहीं होता है। अब विधि कैसे होगी, तो वही तीनों को चूर्ण बनाएंगे, मंदाग्नि पर पाक करके जो परपटी की विधि है वही यहाँ पर भी हो जाएगी। हम मात्रा कितनी होती है, 1 से 2 रत्ती। इसका अनुपान क्या होगा, शीतल जल, नारियल का पानी और मूत्रल द्रव्य, इक्षुरस, ये सब जल यूज़ कर सकते हैं। उपयोग कहाँ कहाँ होगा, तो मूत्र कृच्छ, अश्मरी और मूत्राघात में इसका यूज़ होगा, ठीक है। ये हो गई हमारी श्वेत परपटी। अब देखो परपटी और कजली दोनों में ही पारद और गंधक होते हैं, तो उनके गुणों में भिन्नता क्यों होती है। तो जब हम कजली बनाते हैं तो कजली जो होती है वो मर्दनजन्य कल्पना होती है, और इसमें जो पारद और गंधक का बंध होता है वो शिथिल बंध होता है। और कजली में जो पारद और गंधक का बंध होता है वो कैसा होता है, यौगिक रूप में, मतलब वो वहाँ पर वो कंपाउंड फॉर्म में होते हैं, और यहाँ वो मुक्त रूप में होते हैं, ठीक है, पारद और गंधक। तो इसीलिए यहाँ इनके गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो आज हमने पढ़ी है परपटी कल्पना, ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या देखा हमने इसमें आज। वैसे सबसे पहले मैंने देखा नागार्जुन विरचित 8वीं शताब्दी के ग्रंथ रसेंद्र मंगल में परपटी का वर्णन मिलता है, ये अगर पूछ ले तो इसलिए लिख दिया था, ठीक है। परपटी की सबसे पहले व्युत्पत्ति पापड़ जिसका अर्थ होता है, इसलिए इसे परपटी कहते हैं। परिभाषा में आप लिख देना शुद्ध पारा शुद्ध गंधक कजली बनाते हैं और उसे फिर परपटी निर्माण करते हैं। भेद कैसे हो जाएंगे, तो पहले सौगंध निर्गंध है भेद। निर्गंध में हमने एक पढ़ी अभी एग्जाम्पल, श्वेत परपटी, रस परपटी पढ़ाए, ताम्र परपटी पढ़ाए, ठीक है। तो परपटी निर्माण की विधि में हमने कजली बना के हम लोह द्रवी पर अब थोड़ा सा घी लगा कर इसे द्रवित करते हैं, इधर फिर हम केले का पत्ता बिछाते हैं गोबर के ऊपर, और फिर पोटली भी बनाते हैं गोबर की, केले के पत्ते से, और हम परपटी का निर्माण करते हैं, ये विधि, ठीक है। और बता दी, यादव जी ने कुछ अलग बताया, उन्होंने बालूका रखने के लिए बताया है, और उन्होंने कहा है कि सीधे सीधे अग्नि नहीं देनी है, पहले बालूका का स्तर रखें, फिर कढ़ाई पे हम कजली को गर्म करें, जिससे कि वो अधिक गुणवान होती है। कुछ सावधानियां हैं, ठीक है, उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे, ये ज़्यादातर उपयोग जो होता है वो कहाँ होता है, आंत्र रोगों में किया जाता है, पकवाशय रोगों में, आंत्र रोगों में, ग्रहणी रोगों में और मंदाग्नि में। परपटी का प्रयोग सामान्य और कल्प, 1 से 2 रत्ती सामान्य प्रयोग, कल्प में वही 1 रत्ती से प्रारंभ करेंगे, 10 दिन तक फिर बढ़ाते घटाते जाएंगे। पथ्य अपथ्य देख लिया है, ठीक है। पाक परीक्षण, ये वो इम्पोर्टेंट है, सिर्फ पाक परीक्षा भी पूछी जा सकती है, परपटी पाक की परीक्षा। तो पाक कालीन और पाक पश्चात तीनों में हम मृदु मध्यम और खर देखेंगे। मृदु में हमने देखा था मयूर चंद्रिका, यहाँ देखा था तेला, और ये रक्तवर्ण।
पश्चात में यह टूटेगी नहीं, मुड़ जाएगी, मध्यम में आसानी से टूट जाएगी और खर में वो कठिन होगी, आसानी से नहीं टूटेगी। और वर्ण कैसा होगा? लोहित वर्ण। और यूज़ हम मृदु और मध्यम पाक का ही करते हैं चिकित्सा में, खर पाक का यूज़ नहीं होता है। धातु का मिश्रण वही भस्म में करेंगे, लेकिन स्वर्ण रजत होगा तो हम उसके कंटक वेदी पत्र का यूज़ करेंगे। ये हो गया रस परपटी में पारद गंधक है और घटक द्रव्य। ताम्र परपटी में क्या है? पारद गंधक, ताम्र और वत्सनाभ है। ठीक है, ये हो गई ताम्र परपटी। ताम्र परपटी का उपयोग अलग से वली पलित नाशक स्किन डिसऑर्डर के लिए अच्छा होता है। पंचामृत में गोपाल बता, पंचामृत कहाँ बट रहा है? तो वही 8, 4, 2, 1 और आधा, याद रखना। पारद गंधक मतलब गंधक, पारद कांतलो वज्राभ्रक और ताम्र भस्म, ये केवल दूध का सेवन करना चाहिए पथ्य में। बोल परपटी में पारद गंधक और बोल चूर्ण को खून खराबा भी बोलते हैं, तो अनुपान हो जाएगा शहद मिश्री दुर्वास्वरस पर उपयोग भी वहाँ वहाँ करेंगे जहाँ ब्लड या रक्त का होगा। तो रक्त रक्त स्त्राव में और अतिसार में, अर्श में, प्रदर में और अत्यार्थ में। उसके बाद श्वेत परपटी, यहाँ पे पारद और गंधक नहीं है, ये अच्छे से याद रखना। और इसका इसकी ट्रिक है कफन, कलमेश्वरा, फिटकरी और नवसागर, 16, 2 और 1। ठीक है, इसका यूज कहाँ करेंगे? मूत्रकच्छ, अश्मरी और मूत्राघात में। और परपटी और कजली दोनों के गुण अलग अलग होते हैं, क्यों ये मैंने बता दिया है। ठीक है, तो यह परपटी कल्पना कंप्लीट होती है। ओके, थैंक यू।